राजस्थान। 2,80,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ ये रेगिस्तान, यहाँ गर्मियों में तापमान इतना बढ़ जाता है कि रेत गर्म होकर उबलने लगता है। ठंड में यहाँ का तापमान काफ़ी नीचे गिर जाता है, पर यहाँ की मिट्टी की अलग ही खुशबू है। चलिए साथ में इसका मज़ा लेते हैं। आज हमारे शेड्यूल में कैमल राइड है, रोप वे है, लेक है, और मुझे नहीं लगता सब कुछ कवर हो पाएगा, तो देखते हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। आ जाओ। एडवेंचर के लिए ये कैमल राइड। मम्मी को तो देखो डर ही नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है। लेक है, अगर इसका जो पानी है ना वो अगर हम लोग अपने सर पे डाले तो सारे पाप धुल जाता है। मेरे लिए तो अच्छा हो गया, मैं हर इससे नहा लूंगी। अच्छा है। अभी हम लोग जाएंगे रोप वे से सावित्री मंदिर में। वो एक मंदिर है, यहाँ पे सीढ़ियाँ भी है, बट सीढ़ियाँ बहुत ऊंची है, तो हमने सोचा चलो रोप वे से चलते, रोप वे में मजा भी आएगा। अरे ये तो रोप वे रुक गया, अभी हम लोग अब वापस चलने लगा। मैं तो डर गई थी बीच में कि क्यों नहीं चल रहा है। मैं भी
हमारा ये है फाइनल डेस्टिनेशन। हम लोग सीधा राजस्थान से लेकर गाड़ी से अंटार्कटिका आए हैं। ये तो बहुत ही मस्त है, देख लो एक बार। ये देखो चारों तरफ ग्लेशियर्स ही है यहाँ पे, और यहाँ पे एक वाटर बॉडी भी है। बहुत ठंडा है सब कुछ, पर फिर भी पता नहीं मुझे इतने से कपड़े में ठंड क्यों नहीं लग रही, बाकी सबको तो बहुत ठंड लग रही है। देखो पीकू पे एकदम हाथ स्लीव्स पहने हुए, समझ में नहीं आ रहा कितना मस्त है ना, कितना अजीब सा एक्सपीरियंस है। अरे अरे आप लोग गलत मत समझो, मैं बताती हूँ कि ये क्या है। ये जो है ना बेसिकली जो ग्रेनाइट होता है, जो ग्रेनाइट का जो बड़ा बड़ा पीसेस होता है ना, उसका जो छोटा छोटा पाउडर होता है उसको कहीं पे तो फेंकना पड़ता है ना, तो क्या करते हैं सब लोग, उसको जो पाउडर होता है उसको ला के यहाँ पे बस ऐसे फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं। तो वो इतने साल से ऐसे डंप हो के ना ऐसा बन गया है, बट ये वर्थ सीइंग है, एकदम अंटार्कटिका वाली फीलिंग आ रही है। तो बेसिकली ये एक डंपिंग यार्ड, ये जगह तो बहुत सुंदर है, मुझे तो एकदम अंटार्कटिका लगा। बेसिकली ये एक डंपिंग ग्राउंड है, कचरा वाला। तो फ्रेंड्स बेसिकली हम लोग इतनी दूर है सिर्फ कचरा देखने, बट अगर कचरा ऐसा हो ना तो लोगों को तो प्यार हो जाए कचरे से। बहुत सुंदर जगह ये है। और हाँ अगर यहाँ आओ ना तो थोड़े बहुत फिल्मों की शूटिंग जरूर कर लेना।